और इस तरह से देखिए चिकन को छाना जा रहा है, निकाला जा रहा है। ये कोई लोग यहाँ पे मशीन से कम नहीं लग रहे हैं। ये जो है ये हाफ डन हो गया, ये हाफ डन है। फिर जब ऑर्डर आएगा ये हाफ डन करके रखा, फुल डन करेंगे इसको। क्या लगता है? मस्त लगता है। आप चख के देखिए, आपको भी लग जाएगा। और इधर देखिए चिकन आ रहा है, लगातार जो चिकन को लाने का कार्यक्रम है वो यहाँ चल रहा है। चटनी में आपकी आंखें खुल जाएंगी। हाँ जी, चटनी में आंखें खुल जाएंगी। ऐसा क्या रहता है चटनी में? मसाला है ना मेन। अच्छा, बनाते हैं। अच्छा, अब मसाला अम्मी चटनी के शुरू से चटनी अम्मी बनाती है हमारी। ये सारा कुछ आप लोग का सीक्रेट अपना बनाया हुआ है? शुरू से अपने चल रही है, 40-42 साल से अपना ही बनता है मसाला। तो फिलहाल हम लोग हैं जामा मस्जिद में, एक वीडियो बना चुके हैं, अब अपने अगले स्पॉट पर आए हैं। और यहाँ तो अलग ही लेवल का नज़ारा, ये बड़े से कढ़ाई में गर्मा गर्म तेल और चिकन जो है वो लगातार छन रहा है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। और आज हम लोग कवर करने आए हैं बहुत ही पॉपुलर हाजी मोहम्मद हुसैन साहब के फ्राइड चिकन को। बहुत पुरानी शॉप है, 1975 से खुली हुई और बहुत क्राउडेड है। जामा मस्जिद तो वैसे भी बहुत क्राउडेड है और इस शॉप में तो क्राउड है वो आप देख सकते हैं। लोग चारों तरफ से घेरे हुए हैं, ऊपर भी बैठने का है अरेंजमेंट, नीचे भी बैठने का अरेंजमेंट है और हर तरफ जो है लोग छाए हुए हैं। हर एक टेबल को, हर एक सीट को लोग ऑक्यूपाई किए हुए हैं और लगातार इस बड़े बड़े कढ़ाई में चिकन छन रहा है, चिकन निकल रहा है और लोग जो है वो खाने के लिए बैठे। इस तरह से देखिए चिकन को छाना जा रहा है, निकाला जा रहा है। ये कोई लोग यहाँ पे मशीन से कम नहीं लग रहे, लगातार हर किसी का हाथ चल रहा है। फिक्स प्रोसेस है, ये हुआ फिर नेक्स्ट वो करना है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है। और इधर क्वान्टिटी देखिए, कितने क्वान्टिटी में चिकन यहाँ रखा हुआ है। सामने आप देख सकते हैं कि शॉप के ओनर है, यही इस शॉप की शुरुआत की है। बहुत बिजी है अभी भी, ये पूरे शॉप को अकेले संभालते हैं, अभी भी आके काउंटर पर बैठा करते हैं। तो भैया यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब कैसे डाला जाता है मसाला, फिर क्या होता है, थोड़ा सिस्टम समझाइए पहले यहाँ का। सिस्टम कच्चे माल में मसाला लगाया जाता है वहाँ पे, ये ठीक है। इसमें अपने खुद के मसाले बने हुए हैं हमारे। अच्छा। वो लगते हैं इसके अंदर। एक बार मसाला लग गया फिर क्या होता है, फ्राई किया जाता है? मसाला लग गया हाफ डन करते हैं, हाफ डन के बाद जो कस्टमर की डिमांड होती है उसको हेल्प करते हैं। कौन कौन सा डिफरेंट वेराइटीज मिलता है यहाँ पे? यहाँ चिकन चिकन फ्राई है हमारे पास, फिश फ्राई है। चिकन फ्राई है और क्या है? फिश फ्राई। फिश फ्राई बस दो वेराइटी और कुछ नहीं है। चिकन में भी कुछ वैरायटी वगैरह है? नहीं नहीं, चिकन में एक सिंपल ही चिकन है, बस सिंपल चिकन है। आपका जो चिकन है वो डबल फ्राई होता है, एक बार हाफ फ्राई फिर दोबारा फ्राई। एक बार हाफ डन करके रखना पड़ता है उसको, ठंडा करके फिर दोबारा फुल डन होता है। ये जो है ये हाफ डन हो गया, ये हाफ डन है। फिर जब ऑर्डर आएगा ये हाफ डन करके रखा, फुल डन करेंगे इसको। ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली यहाँ का, वहाँ पे मसाला डाला जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है कि हाफ डन करके रखा जाता है ठंडा होने के लिए, फिर जैसे ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आने के बाद कट करते हैं ना उसको, और जैसे चॉइस होती है कस्टमर की, कट करके लेना चाहे कट करके मिलता है, बाकी साबुत भी चलता है। फुल चिकन का क्या रेट है? फुल चिकन 500 रुपये का, आपके ऊपर बात है, आपको कट के चाहिए तो काट के मिलता है, साबुत चाहिए तो साबुत देंगे। क्वार्टर आता है 130 रुपये का, क्वार्टर 130। हम लोग भी अपना जो क्वार्टर है वो बनवाएंगे। और इधर भीड़ नेक्स्ट लेवल का है, बहुत ज़्यादा उनसे बात करना पॉसिबल नहीं है, भीड़ नेक्स्ट लेवल का है। उधर तो काम है वो चल, इस तरह से देखिए ये चिकन ला के रखा जाता है और अंकल अपने हाथों से इसमें कट लगाते हैं, कट लगाने के बाद फिर इसमें डाल के जो मसाला है वो डाला जाता है और फिर फ्राई किया जाता है। और इधर देखिए चिकन आ रहा है, लगातार जो चिकन को लाने का कार्यक्रम है वो यहाँ चल रहा है। ये जो चिकन है ये आया, अब जो है थोड़ा सा इसमें मसाला वसाला डाला जाएगा, उसके बाद इसे फ्राई किया जाएगा। देखिए सबसे पहले नमक डाले और अंकल बैठ के सारा काम खुद कर रहे हैं, और कोई नहीं, ये सारा काम खुद कर रहे हैं। इस तरह से सबसे पहले नमक डाले हैं, नेक्स्ट जो है ये कुछ मसाला है वहाँ पे रखा हुआ, ये मसाला डाल रहा है और ये कोई और काम इस काम को करता नहीं, ये खुद से सारा काम करते हैं। सबसे पहले नमक डाले फिर मसाला डाले, उसके बाद ये थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च वगैरह डाला है और फिर अब जो है ये बेसन डल रहा है। बहुत ज़्यादा कुछ डलता नहीं है, बहुत लिमिटेड चीज़ है और सब कुछ अपने हाथों से डालते हैं, उसके बाद इसे मिक्स किया जाएगा और फिर जो है ये फ्राई किया जाता है। इस तरह से देखिए ये सारे मसालों को, बहुत लिमिटेड चीज़ है, इस तरीके से बढ़िया से हर एक पीसेज में जो मसाला है उसे डाला जाता है, उसे मिक्स किया जाता है। नेक्स्ट ये जो चिकन है जिसमें कि मसाला वगैरह डाला गया था उसे इस कढ़ाई में डाला जाएगा और फ्राई किया जाएगा। तो ये जो है ये पहला स्टेप है, दो अलग अलग स्टेप्स में इसे फ्राई किया जाता है।
सबसे पहले उस मसाले वाले चिकन को, बेसिक सा मसाला, बहुत कुछ मसाला हमको दिखा नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा मसाला है, उसे एक बार इसमें फ्राई किया गया। लगभग मेरे हिसाब से 5 मिनट के लिए फ्राई किया जाएगा, क्योंकि हम इतनी देर से यहाँ खड़े हैं, जो हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा वक्त दे नहीं रहे हैं फ्राई करने में, तुरंत डाल रहे हैं और तुरंत निकाल रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, इतना बड़ा सा कढ़ाई, इतना हाई फ्लेम में काम हो रहा है कि ज़्यादा वक्त लग नहीं रहा है चिकन को पकने में। तो ऐसे चिकन जो है इसे फ्राई करके निकाला गया, इसके अंदर डाला जाएगा और ठंडा होने का वेट किया जाता है। होता क्या है कि एक बार जो फ्राई करके निकाल देते हैं तो हीट जो है ये स्टोर करके रखता है अपने अंदर, जिस वजह से धीरे 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 ये खुद ही पकता रहता है। तो जब थोड़ा सा टाइम हो जाए, ये अंदर तक पक जाए, उसके बाद इसे वापस से निकाला जाता है और फिर कट करके इसे डबल फ्राई किया जाता है। वो वाला जो स्टेप है उसमें चिकन अंदर तक पक जाता है। ये जो चिकन है इसे कट किया जा रहा है, जैसा जैसा ऑर्डर आया है, क्वार्टर का, हाफ का, फुल का, जैसा जैसा ऑर्डर आया है उस हिसाब से उसे कट किया जा रहा है और फिर इस कढ़ाई में डाल के डबल फ्राई किया जा रहा है। तो अब जाके जो सारा कॉन्सेप्ट है हाजी मोहम्मद हुसैन साहब के फ्राइड चिकन का, ये क्लियर हो गया है। खुद हम लोग अंकल से बात नहीं किए कि ऑलरेडी ये बिजी हैं, ऑक्यूपाइड है, क्या जाके डिस्टर्ब करें। जो साथ में इनके थे इनसे हम लोग बात किए और ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो समझाए। तो अब जो है, अब हम लोग निकलवाएंगे अपना एक क्वार्टर वाला चिकन और फिर करेंगे उसको ट्राई। एक क्वार्टर हम लोग का ही फ्राई कर दीजिएगा। ये हम लोग जो है अपना क्वार्टर वाला पैक करवा रहे हैं। इस तरह से देखिए मसाला जो है वो डाला गया और चिकन फ्राई और फिश फ्राई दो डिफरेंट डिश यहाँ पे मिलता है। चटनी स्पेशलिस्ट है, चटनी। चटनी आपका स्पेशल है? चटनी स्पेशल है, अम्मी बनाती है हमारी। अच्छा, शुरू से अम्मी बनाती है। बता रहे हैं कि यहाँ का जो चटनी है वो मेन स्पेशल है और शुरू से ही इनकी अम्मी जो है बनाती है। आप मतलब क्या हुए यहाँ पे? हम इनके बेटे हैं। हम इनके बेटे हुए इसीलिए हम लोग इस बार आपसे बात की, उनसे तो हर कोई आके बात करते ही है, आपसे हम लोग इस बार बात की। और ये मसाला ये कौन बनाता है? अब्बू बनाते हैं। अच्छा, अब्बू मसाला, अम्मी चटनी। शुरू से चटनी अम्मी बनाती है हमारी। ये सारा कुछ आप लोग का सीक्रेट अपना बनाया हुआ है? शुरू से अपने चल रही है, 40-42 साल से अपना ही बनता है मसाला, सब वही यूज़ हो रहा है आज तक। आज तक वही यूज़ हो रहा है, एक ही रेसिपी है शुरू से। उसमें जो वो वाला रखते हैं येलो वाला, वो बेसन होता है ना? वो बेसन होता है। उसमें भी कुछ अलग लग रहा है, वो भी बर्फ़ में डाल के रखा गया है बेसन को। थोड़ा बर्फ़ में, गर्मी की वजह से बर्फ़ लगाना पड़ता है उसके अंदर। बेसन के अलावा और कुछ नहीं होता है? बेसन होता है, ओनली बेसन होता है। टाइमिंग क्या होता है शॉप का? दोपहर 2 बजे से रात 11-11:30 तक। 2 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। अभी हम लोग रात के टाइम आए इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। हाँ, अभी तो कम है भीड़, अभी कल आते तो बहुत भीड़ मिलती संडे। संडे के दिन नहीं, इसलिए तो हम लोग कल नहीं आए, आज आए, लेकिन आज भी भीड़ मिल ही गया। अब हम लोग जो क्वार्टर वाला अपना एक प्लेट है वो निकलवाएंगे और फिर करेंगे टेस्टिंग, फिर करेंगे वीडियो। इधर हम लोग पैक करवा के आ चुके हैं, बीच में ये गली था और इसी गली में हम लोग आए हैं और इतना ज़्यादा भीड़ था कि बैठने का भी जगह नहीं था अंदर में। ये जो आप पीछे देख रहे हैं, इधर ही सबको बैठे हुए हैं और हम लोग आ गए हैं साइड में। ये 130 रुपये का क्वार्टर प्लेट जो है वो लिए हैं और इसका अब जो टेस्ट है वो आपको बताएंगे। अच्छा, ये तो फुल चिकन दे दिए हैं, इसका कटिंग वटिंग नहीं किया, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कट करके देंगे। तो ये 130 रुपये का, ये देखिए बहुत गर्म। अब करते हैं टेस्टिंग। बहुत कोई ख़ास मसाला यूज़ नहीं किया गया है, बिल्कुल बेसिक सा सब कुछ रखा गया, बिल्कुल बेसिक सा। ऊपर से जो मसाला डाला गया असली डोमिनेटिंग सा फ्लेवर जो है ये उसी मसाले का आ रहा है। अब किया जाए अच्छे से थोड़ा ट्राई, थोड़ा कम गर्म अब हो चुका है। डोमिनेटिंग सा फ्लेवर, जैसा कि आपको बताएं, ऊपर में जो मसाला को डाला गया उसी का, और चिकन बहुत ही सॉफ्ट और जूसी, ये इस चिकन का खासियत है। जो चिकन फ्राई बहुत लोग बेचते हैं, लेकिन ये कला इतना ज़्यादा जूसी करने का चिकन को, ये कला हर किसी के पास नहीं होती, ये मसाले का अंदाज हर किसी के पास नहीं होता है। इतने सालों से इस काम को कर रहे हैं और आज भी खुद बैठ के कर रहे हैं। कितना साल? 41 साल। देखिए उधर बैठे हुए बता रहे हैं 41 साल।
1975 से काम लगाते आ रहे हैं काम। आप यहाँ कितने दिन से हैं? अबे हमारे बाजी लगती थी। अच्छा जी, जीना है नहीं मैं लगता था। अब जब उन्होंने जीना खोल दिया तो हम गली में भेज दिया, हम फिर दोबारा लगाते वहाँ पे। अच्छा ऐसी बात नहीं, बहुत भीड़ रहती नहीं वहाँ पे? ये रश होता था, हमारे मंदिर आए थे। आप खाते कि नहीं उनका चिकन? नहीं खाते, क्यों नहीं है। आप वीक में कितने बार खाते हैं? महीने में ये नहीं है वो रोज खाना, महीने में दो महीने में देखते देखते मन बढ़ गया। नहीं सही बात, नियत बढ़ जाती है हमारी। हमारी नियत अभी बढ़ी नहीं है, हम लोग तो अभी खाने वाले हैं और जाके खाएंगे। हाँ हाँ, यहाँ रख के भी खाएंगे फिर लेके जाके भी खाएंगे। और अफसोस की बात यह है कि चटनी को खोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो इतने कॉन्फिडेंस से वो बताए हैं तो हमको पता है कि चटनी भी जबरदस्त होने वाला है। तो चटनी में आपकी आँखें खुल जाएंगी। हाँ जी, चटनी में आँखें खुल जाएंगी। ऐसा क्या रहता है चटनी में? मसाला है ना मेन। अच्छा, वो बताएं कि उनकी अम्मी जान जो है वही बनाती है चटनी? भाभी भाभी, आपकी भाभी हुई? हाँ वो। अच्छा हाँ, ऐसी बात नहीं है, इनसे बढ़िया इनके एरिया में कोई है नहीं। हाँ, आप लोग खाते हैं चिकन इनका? खाते हैं चिकन? कैसा लगता है चिकन इनका? अच्छा है, मस्त का लगता है। मस्त लगता है? आप चख के देखिए, आपको भी लग जाएगा। चख लिए हमको भी बहुत मस्त लगा है चटनी, बाद में जाके होटल में चखेंगे, अभी चिकन चखे हैं। चलिए एंजॉय कीजिए, खेलिए आप लोग। तो इसी के बाद ख़त्म करते हैं वीडियो को। सब हर कस्टमर रिव्यू भी सुना दिए, जो उनके रिलेटिव है उनका रिव्यू भी सुना दिए, और चटनी अब हम ले आके होटल में खाएंगे। और जैसा कि बताएं आँखें खुल जाएगी, और हम श्योर है कि आँखें खुलेगी। तो ख़त्म करते हैं, कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लगा। थैंक यू सो मच।